नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं पूरी टीम को बधाई देता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं ही इज़ लाइक माय एल्डर ब्रदर टू मी। हमेशा हम लोगों ने बहुत, जब हम यहाँ मुंबई में पहली बार आए थे उस समय विश्वजीत भाई मिले थे, उस समय इनके साथ काम किया था, और आज 17-18 साल के बाद भी अगर हम एक दूसरे को मिल के, एक दूसरे गले मिल के बधाई दे रहे हैं, तो ये आई थिंक बाई ग्रेस ऑफ गॉड हो सकता है। पूरी टीम, पूरे अपने दिल से शुभकामनाएं देता हूँ कि इतना आगे बढ़े, इतना आगे बढ़े कि इसकी 25वीं बोलते ना गोल्डन और प्लेटिनम सब जुबलियाँ बने और हम सब उसके साक्षी बने। नहीं, और अपना राजपाल भाई भी हमारे इज वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड, मोस्ट एनर्जेटिक एक्टर्स, ह्यूमन बीइंग्स इन आवर फिल्म इंडस्ट्री। मतलब जिस इंसान को देख के ऑडियंस के चेहरे पे मुस्कान आ जाए, मतलब सब परेशान है आज की तारीख में। दिल मांगे मोर ने सबको परेशान कर रखा है, और ये एक ऐसा इंसान है जिसको देख के इंसान अपनी टेंशन भूल जाता है। सो दैट्स अ फैंटास्टिक गिफ्ट। उसके लिए पूरा जीवन, उसके लिए पूरा जीवन कमिटमेंट है। रुलाना बहुत आसान है, हंसाना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, और राजपाल जी सबको हंसाते हैं। थैंक यू। एक GSF है, गाइडिंग स्टार फाउंडेशन, जिसकी लगभग स्थापना कर ही ली है और उसमें काम, उसमें हमारी फिल्म इंडस्ट्री में मुझे ऐसा लगा पिछले 18 साल में लगभग इतना सिनेमा करने का मौका मिला। एक होती है माँ जिसने जन्म दिया, और एक है माँ वो जिसने जीवन दिया, और इस फैमिली में ये मुझे महसूस हुआ कि डांसर से लेके स्पॉट बॉय से लेके जो फिल्म इंडस्ट्री में बोलते हैं ना, एक फिल्म बनाने के लिए 200 लोग हिस्सा बनते हैं, तो अगर उनके लिए कुछ कर पाया ताकि उनकी दवाई हो सके, उनका काम हो सके। जब बोलते हैं ना, जब काम होता है, जब हम लोगों के पास शरीर होता है तो बहुत काम होता है, और जब शरीर काम ना करे और उस समय कोई अच्छा काम हो जाए तो बहुत अच्छा काम होता है। उसके लिए कुछ कर पाया तो ज़रूर करने की कोशिश करूँगा।